बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका सीजीएस कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हर बार की तरह फिर हम जनरल साइंस के कुछ ऐसे एमसीक्यूज लेकर के आए हैं जो सारे वनडे एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों देर ना करके शुरू करते हैं। कौन कौन जुड़ चुके हैं फटाफट आप लोग सारे आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। हेलो प्रिया, हाउ आर यू बेटा। पूजा करदम, वेरी गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसको पढ़ करके बताता हूं आपको एक बार। सचिन शर्मा गुड आफ्टरनून, सरवत खान यस इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बी एड बेटा, यस सरवत। नाउ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का मतलब पुलिस है ना, जो कानून का पालन कराने वाली एजेंसीज होती हैं, यूज अ केमिकल टेस्ट टू अप्रोक्सीमेट अ पर्सन ब्लड अल्कोहल लेवल। द पर्सन अंडरपिनिंग द टेस्ट ब्लोज इन टू द माउथ पीस ऑफ ए बैग कंटेनिंग सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। A केमिकल रिएक्शन विद इथेनॉल चेंजेस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम। आपने कई बार देखा होगा यदि रात में आप जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो कई बार पुलिस वाले गाड़ी रोक करके और आपके अंदर एक पंप सा लगा देते हैं जिससे कि टेस्ट करते हैं कि आपने ड्रिंक कर रखी है या नहीं। तो जो शराब का पता लगाते हैं वो कि किसी ने शराब पी है या नहीं पी, तो किस तरह से इसका पता लगाया जाता है उसका ये टेस्ट है। उसमें बेसिकली होता क्या है, एसिडिक मीडियम में सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन होता है और जब आप उसमें से भाप निकालते हैं तो उसके अंदर अल्कोहल मिक्स हो जाता है। अब अल्कोहल मिक्स होने के बाद एक पर्टिकुलर कलर आता है, वो पर्टिकुलर कलर कौन सा है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। जी सचिन शर्मा कहते हैं ए, मैं भी पढ़ लूं, ओके ठीक है। नो आइडिया पूजा करदम, प्रिया आपको आइडिया है बेटा? यदि किसी ने पी रखी है और पुलिस वाले उसको चेक कर रहे हैं तो उसमें कलर कौन सा आता है? नो पत्नी, चलिए कोई बात नहीं। तो सचिन शर्मा का आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा लड़कों का फायदा होता है, तो लड़कों को पता है क्योंकि रात में कई बार ड्राइविंग करते समय निकल जाते हैं तो एक आध बार हो सकता है किसी किसी के साथ हो भी जाता है। ये नहीं कह रहा हूं मैं सचिन के साथ ऐसा हुआ होगा, ओके। तो लेकिन बिल्कुल कलर सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। गुड आफ्टरनून वर्षा पूजा, कि नारंगी से हरा रंग हो जाता है, ऑरेंज टू ग्रीन कलर का। बेसिकली जो सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन होता है एसिडिक मीडियम में, उसका जो बेसिक कलर होता है फंडामेंटल कलर, दैट इज द ऑरेंज। लेकिन यदि किसी ने शराब पी रखी होगी तो उसके अंदर इथेनॉल यानी कि अल्कोहल मिक्स हो जाएगा जिसकी वजह से उसका कलर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हरे रंग में वो बदल जाता है। यदि हरा रंग हो गया तो इसका मतलब उसने शराब पी हुई है उस व्यक्ति ने जिसको पुलिस वाले ने रोका है, और यदि हरा रंग नहीं हुआ तो बिल्कुल वो उसने शराब वराब नहीं पी रखी है, वैसे ही लग रहा होगा उसकी आंखों से कि नशे में तो नहीं है। तो चलिए सबसे पहली बात, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जाता है ए। तो फर्स्ट का आंसर है आपका ए, मैंने इस तरफ लिख दिया। और फर्स्ट का बेटा ए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ये थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, ओके। फर्स्ट का है आपका ए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, ओहो हाँ ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर? नथिंग, एवरीथिंग इज करेक्ट। हेलो सरिता, हाउ आर यू बेटा? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर? परमाणु विखंडन रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु विखंडन, आपको पता होगा जो एटम बम यानी कि परमाणु बम बनाने का सिद्धांत है, ये कहां पर होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में देखो यहां पर दो चीजें होती हैं। यहां पर पहली चीज ऐसा मानकर चलिए, जब भी यूरेनियम 235 पर हम न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाएगा। पहले तो बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है, लिख देता हूं मैं, बेरियम और क्रिप्टन में। इसके साथ साथ एक काम और होता है, इससे तीन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब ये तीन क्या करेंगे, तीन यूरेनियम को करेंगे, फिर इससे नौ निकलेंगे, नौ क्या करेंगे, 27 को करेंगे। तो इस प्रकार एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाता है? श्रृंखला अभिक्रिया, अर्थात चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये चेन रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है। दो टाइप की कैसी? एक होती है अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड का मतलब हुआ कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यह है आपका परमाणु बम यानी कि एटम बम का सिद्धांत। क्योंकि जब किसी के ऊपर आप परमाणु अटैक करते हैं, जब आप न्यूक्लियर अटैक करते हैं, तो आपको रोकने की आवश्यकता नहीं है, चलने दो, जिसको मरना है मरने दो, फिर तो ये कंडीशन आ जाती है। लेकिन बेटा आप जब इसी से न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं यानी कि बिजली बनाते हैं, तब आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अब कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ मॉडरेटर डाले जाते हैं, मॉडरेटर। दूसरा होता है आपका कूलेंट। कूलेंट का मतलब है, कूलेंट का मतलब ठंडा करने वाला। तो किसी भी सिस्टम को जहां पर हीट बहुत ज्यादा है उसको ठंडा करने की आवश्यकता पड़ती है। कंट्रोल डिवाइस चाहिए ही चाहिए, क्या नहीं चाहिए? तो इसमें इसका आंसर क्या होगा बेटा, दो का सी। किस किसने बताया है मुझे? सरबत खान ने बताया, सरबत खान ने बताया, प्रिया ने बताया, वेरी गुड, ठीक है, पूजा ने बताया, गुड। ओके तो ये जो है आपका, इसका सही आंसर है दो का सी। दो का सी जाएगा, टू का सी। आगे मैं बढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारी पानी का क्या अर्थ है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी आपको मुझे इसमें समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं। भारी पानी, तो पानी और भारी पानी में दोनों में क्या अंतर है भाई, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है मुझे। सही जवाब आपसे मैं जानना चाहता हूं पहले, देन आई विल आंसर। तीन का सी, गुड। करण कुमार कहते हैं डी, सरफराज अफजल कहते हैं बी। ओके और कोई बताएगा? सचिन शर्मा और भुवन भारती सिंह कहते हैं सी, करण कुमार ने सी कहा, बाद में डी कहा है, वर्षा कुमारी कहती है डी। ध्यान रखना, जो पानी आप पीते हो वो होता है H2O। H2O में क्या होता है, दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के और एक एटम जुड़ा होता है इसमें ऑक्सीजन का। एक होता है ऑक्सीजन, दो होते हैं हाइड्रोजन। लेकिन जो भारी जल होता है वो होता है D2O। D2O में क्या होता है, D2, D का मतलब हुआ
डी का मतलब हुआ हैवी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन। और तो दो तो डी जुड़े होंगे, यानी कि हाइड्रोजन से अगला, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको कहते हैं हाइड्रोजन या ड्यूटी या प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटीरियम। तो कई बार इसको डी से भी शो करते हैं। तो ये D2O का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, डी हाँ ड्यूट्रेटेड वाटर। तो इसका सही आंसर था हाँ, एक तो सही हो ही जाएगा प्रिया, सही बात बोल रहे हो। तो इसका सही आंसर था 3 का बेटा सी, 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है, सही उत्तर है वो है इसका सी। जिस जिसने भी सी आंसर दिया है उन सबको बहुत बहुत बधाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ सिन स्मेलिंग एजेंट एडेड टू एलपीजी सिलेंडर टू हेल्प द डिटेक्शन ऑफ गैस लीकेज। आपके घर में जो गैस होती है एलपीजी कुकिंग गैस, यदि कहीं से सिलेंडर लीक हो रहा है तो आपको एक स्मेल आती है। फैक्ट जबकि यह है कि एलपीजी जो होती है उसमें स्मेल नेचुरल एलपीजी में, नेचुरल जो आपकी एलपीजी है लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कैसी होती है, इट इज ए कलरलेस, कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। ये रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। बोले जी हमारे घर में तो स्मेल आती है, तो उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है, उस पदार्थ की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, उस स्मेल को सूंघने से ये पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। उस पदार्थ का नाम है इथाइल मरकैप्टन, C2H5SH। क्या नाम हुआ इसका, इसको कहा जाता है बच्चों इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, या दूसरा नाम है इसका थायो, थायो वर्ड यूज होता है किसके लिए, सल्फर के लिए, थायो इथेनॉल, थायो इथेनॉल। तो देखो आज तक इथाइल मरकैप्टन से पूछा जाता था, लेकिन हो सकता है कि कभी थायो एल्कोहल के नाम से पूछ ले, थायो इथेनॉल के नाम से पूछ ले। तो हमने ये आपका जवाब दिया था 4 का बी, जिस जिसने भी दिया है उन सबका सही आंसर है, ठीक है। जिस जिसने भी बी उत्तर दिया है, वर्षा कुमारी, संदीप कुमार, सरफराज, करण, सनाया राठौर, भुवन, सरिता का और प्रिया का जवाब नहीं आया है मेरे पास अभी तक। जी पूजा करदम, वेरी गुड, यस, व्हाट डू यू वांट टू नो फ्रॉम मी शनाया, शनाया राठौर, क्या बताऊं मैं आपको, इज दिस हेल्प ऑफ, यस इट्स इट, दिस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, इंपॉर्टेंट ऑल बंड एग्जाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज बीएड एंट्रेंस। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर बेटा, फोर का क्या था बेटा, बी। अ बॉडी चार्ज नेगेटिवली, इट इंप्लाइज दैट, एक पिंड पर ऋणात्मक आवेश है, इसका मतलब है कि इट हैज लॉस्ट सम ऑफ द इट्स प्रोटीन, इसने अपने कुछ प्रोटीन प्रोटोन खो दिए हैं। इट हैज एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, इसने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉनों का अधिग्रहण किया है। इट हैज लॉस्ट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉनों को खो दिया है। चलो ये तीन में ही उत्तर दे दो, चौथा आपको नजर नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे हो गया, मैं इन तीनों को ही मान लेता हूं, आप इन तीनों में से ही ऑप्शन दे दो। 5 का बी, सचिन शर्मा कहते हैं 5 का बी। शिवम सर आप लगातार क्लास लेंगे बेटा, सर का आप, शिवम सर का
फेसबुक पर पढ़ लीजिएगा आप, उन्होंने कहा है वो लगातार क्लास लेंगे हम। संदीप बी, क्लासेस बाय शैली बी, बबली पाल बी, सरवत खान बी, मानवेंद्र सिंह बी। जब आप सब लोग कह रहे हो बी तो फिर मैं ही क्यों अलग हटूं? चलो आप सबकी बात मान ली गई, सही उत्तर इसका बी ही है बेटा। जब कोई बाहर से किसी पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन, क्लोरीन है, क्लोरीन यदि कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर क्लोराइड आयन आ जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन को यदि दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी ऑक्साइड आयन बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यदि किसी के पास निगेटिव चार्ज है तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि उसने कहीं कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉनों को लिया है। अब वो एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है सनाया राठौर बेटा, ये आपकी स्माइली मुझे समझ में नहीं आई। और प्रिया यादव, सरिता शर्मा, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा प्रिया ने दे दिया 5 का भी, ये सरिता जवाब नहीं दे रही है, क्या चक्कर है? प्रिया ने चढ़ा दिया मोटी मोटी कह करके उसको, इसलिए चली गई वो। चलो वेरी गुड, वेल डन बच्चों, 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट डज नॉट कोरोड बाय सी वॉटर। तो निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये समुद्र के पानी से नहीं गलती है? हम वो गंगा नदी में जो लकड़ी की नाव चलती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, समुद्र की जो नाव होती है जिसमें मछुआरे मछली पकड़ते हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं और वो मेटल से बनाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जरा सा कई टाइड्स वगैरह आए और नाव के अंदर पानी भर गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो किस मेटल का यूज करते हैं जिससे कि पानी समुद्र के पानी से उसमें जंग ना लगे, वो गले ना? आप बताएंगे। आज सारे के सारे मैंने यूनिक क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए, आप लोग बने रहिए। भोला जायसवाल सर, मालवे ने केबीएस पीआरडी का कोर्स लिया था लॉकडाउन में। अच्छा बेटा, भोला जायसवाल आप हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हो और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हम कुछ भी बीच में छोड़ते नहीं है, तो बिल्कुल होगा। और 3 से 5 आई थिंक क्लास चलती है, तो आप आते क्यों नहीं हो उसमें? थ्री टू फाइव क्लास लेता हूं बेटा मैं। अच्छा, आप में से ज्यादातर बच्चों ने कहा बी, सरफराज अफजल कहते हैं डी। तो सरफराज आप, मैं आज इनके साथ नहीं जाऊंगा, आज मैं आपके साथ जाऊंगा। सही उत्तर है इसका टाइटेनियम। थम्सअप वगैरह दिखाते रहो, लाइक वाइक करते रहो, ठीक है, बीच बीच में शेयर भी करते रहो जिससे कि और बच्चों को भी फायदा मिले। तो 6 का डी करेक्ट आंसर है इसका, 6 का डी। टाइटेनियम का यूज करते हैं क्योंकि टाइटेनियम जो होता है वो सैलाइन वाटर के साथ में या पानी के साथ में भी वो कोरोड नहीं करता, कोरिजन नहीं होता, यानी कि उसमें जंग नहीं लगती। जो जंग नहीं लगेगी तो वो गलेगा नहीं। इज इट क्लियर? प्रिया, सरिता, यू डिजर्व सरफराज, नो नीड ऑफ थैंक यू। आपने सही उत्तर दिया है, आप डिजर्व करते हैं। ओके तो ध्यान रखो बेटा, जिस जिसने भी गलत उत्तर दिया है वो सही कर लें, याद रखें इस बात का, टाइटेनियम का यूज उसमें करते हैं। प्रिया शायद गायब हो चुकी है, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द रिचेस्ट इन डायवर्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ प्लांट्स? जी संदीप कुमार, आपका भी सही उत्तर है बेटा। ध्यान से देखिएगा,
देखो बेटा, सबसे ज्यादा जो रिच डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, रिच डाइवर्सिटी का मतलब जहां पर कि फ्लोरा एंड फौना, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स सबसे ज्यादा होंगे। प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स को भोजन कहां से मिलेगा? तो सबसे ज्यादा इसको जहां पर ज्यादा होते हैं, इनकी क्वांटिटी क्वालिटी क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसको कहते हैं रिच डायवर्सिटी, रिच बायोडायवर्सिटी। सबसे ज्यादा कहां की होगी? जहां पर बरसात ज्यादा होगी। कहां पर? जहां पर रेनफॉल जो होगी ज्यादा होगी, हैवी रेनफॉल होगी, यानी कि हॉट एंड वेट क्लाइमेट होना चाहिए। जितना ज्यादा जहां पर बरसात होती है उतना ही ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं और उतने ही ज्यादा जानवर वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। अरे वाह, हर बच्चे का सही आंसर है भाई। 7 का ए, वार्म टॉपिकल, वो गर्म उष्ण कटिबंधीय एरिया में देखने के लिए मिलता है ये। चलिए तो 7 का सब लोगों ने, सब बच्चों ने सही जवाब दिया। वेल डन बच्चों। गुड, वेल डन, हर बच्चे ने सही जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट इज टर्म्ड एज, जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच इंटरेक्शन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बातचीत का मतलब संपर्क हुआ यहां पर, है ना। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ऑटो इकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी कहते हैं जब एक ही स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है। सिनिकोलॉजी दो या दो से ज्यादा स्पीसीज के बीच में। गुड, दो वर्ड हैं बेटा, ध्यान से सुनो उसके बाद उत्तर दो। बेटा आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, अभी अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो कि अपनी नेटिव स्टेट में चले गए थे वो सारे नहीं आ पाए हैं। धीरे धीरे सारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। सीजीएस ने तो आपको पूरे लॉकडाउन में भी क्लासेस दी हैं बेटा। ठीक है सुरबत खान। देखो बेटा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी और दूसरा होता है इकोसिस्टम। इकोलॉजी का मतलब समझिए, यह है आपकी अर्थ। इस अर्थ पर रहते हैं नत्थूलाल, यहां पर कुछ पेड़ पौधे भी होंगे, यहां पर पानी वानी भी होगा, यहां पर मिनरल्स भी होंगे, तो इन सब के बीच में जो इंट्रैक्शन है एनवायरनमेंट के बीच में, इसको कहा जाता है इकोलॉजी। और जिस जगह पर वो रहते हैं, इकोसिस्टम का मतलब होता है हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब रेजिडेंस। पानी में रहते हैं तो वाटर इकोसिस्टम, जमीन पर रहते हैं लैंड इकोसिस्टम, रेगिस्तान में रहते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम नया हो करके यहां पर सही जवाब है आपका ए, सही उत्तर है बेटा 8 का ए, इसको इकोलॉजी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, LOGY, लॉजी का मतलब होता है लॉगस, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो इकोसिस्टम में का मतलब स्टडी नहीं है, रादर इकोलॉजी ऑफ एन, सॉरी, स्टडी ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी एक ब्रॉड वर्ड है और उसका एक छोटा पार्ट है इकोसिस्टम बेटा। इसका सही उत्तर ए है। आप लोगों ने में से जिसने भी गलत जवाब दिया है, प्लीज इसको सही कर लें, आप लोग इसको सही कर लें और हमारे साथ आखिर तक बने रहें। 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, आप लास्ट तक बस मेरे साथ क्लास में बने रहें। हटा दिया जाए। द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप लोग देंगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं। 9 का क्या है जवाब आप दीजिए। रटने वाला क्वेश्चन है, याद रखने वाली बातें हैं। कब मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ये आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे।
सचिन शर्मा का मेरे पास आ चुका है, 9 का बी। और बच्चे बताओ फटाफट जल्दी, भुवन सिंह, भारती सिंह भी कहते हैं बी। और ओके शनाया राठौर, वेरी गुड। संदीप कुमार जी, चंपा मुर्मू, सरबत खान, तो आप सब लोगों ने बी कहा है तो मैं भी इसी को मान लेता हूं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हर साल 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया चिंता करती है, कसमें खाती है कि हम अपने एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए, सुधार के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सारे के सारे प्रयास करेंगे। वो एक अलग बात है कि हम उसको भूल जाते हैं। क्वेश्चन में बेटा ये तो ऐसे गेट लिख रखे हैं हमने, सीओडी से क्या मतलब है। अच्छा आठ, क्वेश्चन नंबर 8 में, अच्छा ऑटो इकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी तब कहते हैं जब किसी एक ही स्पीसीज के बीच में, मान लो कुत्ते कुत्ते के बीच की स्टडी करनी है, जब किसी एक पर्टिकुलर एक ही स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। ऑटो मीन स्वयं, और सिनिकोलॉजी कहते हैं बेटा तब जब एक से ज्यादा स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को। तो 9 का बी आप लोगों ने सबने सही उत्तर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज नोन एज, बाष्पीकरण और वर्षण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कैल्शियम साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं बेटा, सो प्लीज बूस्ट योर एनर्जी लेवल। आई वॉन्ट टू गाइज, योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज कंपल्सरी। आई वॉन्ट टू सी योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तब मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। 10 का डी, सचिन शर्मा कहते हैं डी, संदीप जी डी, चंपा कहती हैं डी, पूजा कहती हैं डी, रुक्मणी भी डी, शैली भी डी, अंशु ग्रेट डी, और सरफराज अफजल भी कहते हैं डी। चलो आप सब लोग डी कह रहे हैं तो मैं भी, मेरी तरफ से भी डी। 10th का डी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो जल चक्र की बात करते हैं हम हिंदी में, जानबूझ के मैंने इसको जल चक्र ना लिख के हाइड्रोलॉजिकल चक्र लिखा था, क्योंकि मैं जल चक्र लिख देता तो आप लोग हिंदी को देख करके एक सेकंड में जवाब दे देते। तो आजकल का जो चलन है वो इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाइड्रोलॉजिकल लिख देंगे वो जल चक्र ना लिख करके, वॉटर साइकिल नहीं लिखा उन्होंने, वॉटर साइकिल लिख देते तो आप एक मिनट में समझ जाते। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जहां पर आपको, आप अच्छी तरीके से जानते हैं उनके आंसर, लेकिन फिर भी कभी कभार आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो ये सारी गलतियां ना हो उसके लिए आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, अत्यंत स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कौन सा है? बहुत इजीली आप जवाब दे पाएंगे इसका, ओशियन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज रिप्लाई, ओशियन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन। सचिन शर्मा कहते हैं ए, निशा रानी कहती है बी, और बताइए। रुक्मणी जी ने कहा डी, कोई सी भी बोल दो, सारे काम हो जाएंगे। तो बड़ा कंफ्यूजन है आपको, माउंटेन पर्वत, पर्वत पर कोई इकोसिस्टम है, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है। डेजर्ट है, डेजर्ट में भी तेज हवाएं तूफान चलते हैं,
टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, बरसात बहुत कम होती है। फॉरेस्ट की बात करें तो आप लोग इतना डिफॉरेस्टेशन करते हैं आजकल, वनों को काट काट करके आप लोग क्या बना रहे हैं? अरे भाई, वनों को काट काट करके आप लोग खेती के लिए जमीन, मकान, ये सब कुछ बना रहे हैं, तो वो भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन ओशियन इकोसिस्टम, महासागरीय पारितंत्र की यदि हम बात करें तो वो एक अथाह है। मान लो बीच में, मान लीजिए जैसे कि दुबई की बात करें तो उसने कुछ क्या बनाए थे, टापू बनाए थे, आइलैंड बनाई, लेकिन जो वहां के रहने वाले थे वो शिफ्ट हो गए। तो यदि सबसे ज्यादा कोई स्टेबल है तो चूंकि सबसे जमीन पर सबसे ज्यादा कौन फैला हुआ है, ओशियन, तो इसका पहला सही जवाब है ए, 11 का ए सही उत्तर, ओशियन इकोसिस्टम या सी इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई आर इनर लाइनिंग ऑफ हॉट वाटर गीजर्स मेड अप ऑफ कॉपर। आपके घरों में जो कॉपर होते हैं उनके यदि अंदर की बात करें, दीवार जो होती है, जो आपका बकेट होता है जिसके अंदर पानी होता है गीजर में गर्म, तो वो तांबे की बनी होती है, क्यों? इसका सही जवाब आप मुझे देंगे, तांबे में कम ताप क्षमता होती है, कॉपर हैज लो हीट कैपेसिटी, कॉपर में उच्च विद्युत चालकता होती है, हैज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम। नेहा जी कहती है सी, ओके। और कोई? संध्या राठौर, सनाया राठौर, सनाया सी, सरफराज साथ नहीं जाएंगे डी, संतोष कह रहे हम बिन के साथ नहीं चलेंगे, सचिन शर्मा सी, हम जाएंगे बेटा मेजोरिटी के साथ, ठीक है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे हम उसके साथ जा रहे हैं इस बार। बिल्कुल सही जवाब है सी, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट यदि पास नहीं होती तो जल्दी से पानी गर्म नहीं होता ना बेटा। अब भाई देखो कारण क्या हुआ, ये आपका ऐसे मानो कि गीजर है, यहां पर आपने एनोड और बिजली से इसका संबंध कर दिया, इसके जो अंदर की दीवार होती है बेटा, अंदर की दीवार पर क्या होता है, यहां पर कॉपर चढ़ा होता है। अब कॉपर यहां से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास हुई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई तो पूरे में घूम गई, और साथ में हीट का भी है तो ये गर्म हो गया। हमें क्या करना है, हमें गर्म करना है, यदि इलेक्ट्रिसिटी पास ना होती तो आगे ये पूरे में फैल ना पाती, और फैल ना पाती तो ये गर्म ना होता, गर्म नहीं होता तो ये पानी इसके अंदर का गर्म ना होता। तो सही जवाब इसका सी, इसका सही जवाब सी है, जिसने भी बाकी के गलत जवाब दिए हैं वो इनको ठीक कर ले। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्यू फाइंडर्स। आप लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, सब में आप देखते हैं पीछे देखने के लिए एक शीशा होता है ना, दर्पण होता है, मिरर लगा होता है, वो मिरर होता कौन सा है, सिर्फ आपको ये बताना है। रियर व्यू मिरर के बारे में बात कर रहे हैं हम, पीछे देखने के लिए जो शीशा होता है उसकी बात कर रहे हैं, क्या होता है वो इनमें से। थर्टीन का सी संतोष, संतोषी कहती है, सचिन शर्मा, मानवेंद्र, भुवन सिंह, चंपा मुर्मू, पूजा करदम, सरफराज अफजल, और बहुत सारे बच्चे हैं बेटा यहां पर तो क्लास में, अंशु ग्रेट, सरबत खान, शैली, चलिए आप सब लोग कह रहे हैं तो आपकी बात ठीक है बेटा। शनाया आप तो एक्सीडेंट करा दोगी। 13 का सी, ध्यान रखना इस बात का, किसका यूज करते हैं हम करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का, कौन के मिरर का, क्यों, क्योंकि ये इमेज को छोटा करके दिखाता है, यदि बड़ा करके कौन दिखाएगा, बड़ा करके दिखाता है आपका अवतल दर्पण, बड़ा करके दिखाएगा तो पता चला नथुलाल जी दिखाई दिए रंभरों से तो चपेट में आ गए गाड़ी के,
आपको पीछे तक का दूर तक का व्यू देखना है, और छोटी छोटी चीजें जब आएंगी तब दूर तक का व्यू देख पाएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ओके, तो सही जवाब है इसका 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा, इट्स ओके, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, बेलारूस, ह्यूगो डी ब्रीज, रॉबर्ट ब्राउन। जीवाणु की खोज किसने की? चौदह का डी, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की खोज की थी, बैक्टीरिया की नहीं। सचिन शर्मा गलत जवाब। भुवन सिंह, मानवेंद्र, चंपा, क्लासिस बाय शैली, भुवन भारती, सरिता नैन, सरबत खान, गुड। इसका पहला आंसर सही है, बिल्कुल ए जाता है। इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक या एंटोन वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने फर्स्ट बैक्टीरिया की खोज की। इसके साथ साथ इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल, प्रथम जीवित कोशिका की खोज भी की थी। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है ये बताया रॉबर्ट ब्राउन ने, लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, बैक्टीरिया को भी डिस्कवर करने वाले थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। यस, करेक्ट आंसर, ह्यूगो डी ब्रीज, म्यूटेशन थ्योरी, तो इन सब की आपको आवश्यकता नहीं है। 14 का सही जवाब है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 15, स्कर्वी, स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून जाता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? आई थिंक बच्चा बच्चा जानता है इसको जी। सचिन शर्मा कहते हैं सी, जवाब दीजिए फटाफट, रिप्लाई करो फास्ट। अच्छा, नैन साहब आ गए आप, सरिता नैन, वेरी गुड। तो 15 का सही जवाब है सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। सब लोगों ने सही जवाब दिया बेटा। प्रॉन बिलोंग्स टू द फाइलम झींगा, आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने झींगा मछली खाई होगी, ठीक है? तो जो झींगा मछली होती है वो बायोलॉजी में किस फाइलम में उसको रखा गया है? ऑर्थोपोडा, निडेरिया, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। देखते हैं कौन सही जवाब देता है, फिर हम इसको समझाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 16, भुवन भारती सिंह ए, सरफराज ए, सरिता नैन, अच्छा आपने खा रखी है बेटा झींगा मछली, खाई है सरिता, गुड। पूजा का ए, सचिन शर्मा का ए, सही जवाब इसका, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, इसका सही जवाब है ए, फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, लगभग 8.5 लाख प्रजातियां हैं इसके अंदर, स्पीसीज हैं जिनकी हम स्टडी आज तक कर चुके हैं। इसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं सारे के सारे, ठीक है? इसके अलावा और भी आपके प्रॉन्स आते हैं, क्रेब्स आते हैं, और कमाल की बात पता है क्या है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, जैसे मक्खी मच्छर नुकसान पहुंचाते हैं,
तितली मधुमक्खी आपको फायदा पहुंचाती है, रेशम का कीड़ा फायदा पहुंचाता है, प्रॉन्स और क्रेब्स खाने के काम आते हैं, लाख का कीड़ा होता है लैक इंसेक्ट खाने के किसके काम आता है, लाख बनाने के काम आता है। तो कुछ फायदे वाले हैं और कुछ नुकसान वाले हैं। अच्छा आप नहीं खाती कोई बात नहीं, शुरू कर दो, अच्छा होता है, बहुत टेस्टी भी होता है ये, आई थिंक सो, जहां तक मैंने सुना है, हालांकि मैंने भी नहीं खाया कभी, लेकिन और बहुत ज्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट भी देखने के लिए मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट फिट इनटू द सेल थ्योरी? घुमा फिरा करके आपको हिंट दे रहा हूं मैं, इसमें ये पूछना चाहता है कि कौन सा इनमें जीव नहीं है, सजीव जो नहीं है, इसलिए सेल थ्योरी में उसको नहीं रखा गया, लिविंग सेल नहीं होती। रिप्लाई करेंगे फास्ट आप मुझे जल्दी से जल्दी। सत्रह का बी, भुवन भारती सिंह, सचिन शर्मा और कोई, आप लोग इतने सारे बच्चे हो और दो लोगों का जवाब आया, चलिए तीन। अच्छा ओके सरिता जी, आई वॉज जस्ट किडिंग। सत्रह का भी एग्जाम्पल कोरोना वायरस, करेक्ट, सही जवाब है आप लोगों का। तो 17 का जाता है बेटा बी, जो वायरस होते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, ये ना तो जिंदा है ना मरे हुए हैं, ये भूत हैं बेसिकली, जिंदा और मुर्दा के बीच की कड़ी। तो इसका सही जवाब है आपका बी, वायरस। क्वेश्चन नंबर 18, अ बैलून फिल्ड विद हीलियम राइजेस इन एयर बिकॉज, हीलियम से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ता है क्योंकि, एयर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बलून, हवा गुब्बारे पर ऊपर की तरफ बल डालती है, द बलून इज वेटलेस, गुब्बारा वजन रहित होता है, हीलियम इज लेस डेंस देन एयर, हीलियम हवा की तुलना में कम सघन होती है, हीलियम पुशेस डाउन ऑन द एयर बिलो ऑन द बलून, हीलियम गुब्बारे के नीचे हवा पर नीचे की ओर दबाव डालती है। 18 का सी किसने दिया, सचिन शर्मा, और कोई, कमल सरस्वत, वेरी गुड, वेल डन। चलिएगा, जो जो बच्चा सही जवाब दिया है वो सी इसका सही जवाब है, हवा की तुलना में हल्की होती है वो, यानी कि लेस डेंस होती है, और इसी वजह से हीलियम भरी जाती है, हीलियम से भी हल्की हाइड्रोजन होती है, लेकिन हाइड्रोजन यदि भर देंगे तो इनफ्लेमेबल है, गुब्बारे में आग लग जाएगी, इसलिए हीलियम को भरते हैं हम जो हवा से हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन एन ओशियन, निम्नलिखित यंत्र में से कौन सा एक महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। ऑडियोमीटर से तो हम ध्वनि को नाप सकते हैं, है ना, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, गैल्वेनोमीटर से हमें पता चलता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, सेक्सटेंट जो होता है इससे हम एंगुलर कहना चाहिए, हम नापते हैं कि कितनी डायरेक्शन क्या है, एंगुलर नेविगेशन नापते हैं, और सोनार बचता है। तो सही जवाब आप बताएंगे 19 का बी, बिल्कुल सही जवाब जिस बच्चे ने दिया है, करेक्ट आंसर 19 का, सचिन शर्मा, भुवन भारती सिंह, सरबत खान, पूजा कुमारी, सरफराज अफजल, चंपा, अंशु, शैली, सरिता, मानवेंद्र, संदीप कुमार, इतने सारे बच्चों ने ये बिल्कुल सही जवाब दिया है।
ठीक है आगे चला जाए बेटा, आगे चलें। गुड, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, वॉल्यूम। सही जवाब आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 20। भुवन भारती सिंह कहते हैं डी, चंपा जी कहते हैं डी, अंशु कहते हैं डी, मानवेंद्र सिंह कहते हैं ए। नूनीतोष नमस्कार बेटा। सही जवाब इसका वॉल्यूम है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। ये सारी की सारी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी है, केवल एक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता क्या है? मान लीजिए ये कोई है आपका क्यूब या क्यूबॉइड, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये ब्रेथ है, ये मान लीजिए इसकी ये लंबाई है, ये आपकी ब्रेथ है, और ये जो हो गई आपकी यहां से हाइट हो गई। तो वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच के बराबर। ये तीनों ही डिस्टेंस हैं, और डिस्टेंस को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है। इसका सही जवाब जाता है डी। जिसने भी डी के अलावा जवाब दिया है वो अपना ठीक कर लें। क्वेश्चन नंबर 21। हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइसेक न्यूटन, जॉन एडम्स। न्यूटन साहब का नाम बड़ा फेमस है बेटा, लेकिन दोनों में से कौन से न्यूटन साहब हैं? 21 का सी शनाया कहती हैं, भुवन भारती नहीं, शनाया जी तो पहला कहती हैं। भुवन भारती ने कहा सी, शनाया ने कहा शी, शैली ने सी, संतोषी ने सी, पूजा ए, नूनी तो स्त्री, ठीक है सरफराज। तो इसका सही जवाब सर आइसेक न्यूटन। सर आइसेक आइसेक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। जीपीएस स्टैंड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर जीपीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है। जीपीएस, जिसकी सहायता से आप अपनी चीजों को ढूंढ लेते हैं, आप लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, गूगल मैप में देखते हैं, और गाड़ी में जीपीएस लगा होता है। सचिन शर्मा सी, 22 का सी इन्होंने कहा, समीक्षा जैन आ चुकी हैं, भुवन भारती सिंह सी, संतोषी अहिरवार ए। संतोषी कसम खा रखी है, इन सबसे अगेंस्ट जाना है आपने। नूमी तोष कहते हैं ए। तो बेटा इसको समझ लो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। इसका सही जवाब है सी। आइंस्टीन वाज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज फॉर। आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विशेष सिद्धांत। ट्वेंटी थ्री का शनाया कहती हैं ए, सरफराज सी, चंपू सी, संतोषी सी, अंशु सी, सरिता नैन सी, सरबत खान सी। हम जाएंगे शनाया के साथ।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था नोबेल प्राइज। संदीप जी कोई फायदा नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, मान लीजिए ये कोई मेटल है, ये कोई मेटल धातु है, जब मेटल सरफेस पर सनलाइट पड़ती है तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो माने लाइट, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन कहलाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका केवल एक बच्ची ने सही जवाब दिया था, बाद में आप कोमल शर्मा ने दिया है, पूजा कर्दम ने दिया है, समीक्षा जैन ने डिलीट कर मारा फटाफट, संदीप ने डिलीट कर दिया, वाह। अरे जो हो गया हो गया, क्यों टेंशन लेते हैं भाई जी। इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, विटामिन ए, डी, B1 और B2। देखते हैं कि कौन इसका सही जवाब देता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स बच्चों। यू आर द फर्स्ट सनाया, वेरी गुड, B, यस। तो कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी मदद करता है, सही जवाब है इसका बी। बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया है। इफ वेस्ट मटेरियल्स कॉन्टेमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इस सवाल का जवाब आपसे मुझे अभी नहीं चाहिए। इस जो क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देंगे आप वीडियो खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद, इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में आपको लिख करके जवाब देना है, ठीक है। इफ वेस्ट मटेरियल्स कॉन्टेमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल स्प्रेड, यदि अपशिष्ट पदार्थ पेयजल के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां फैलेंगी, स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया। इनका सही जवाब आपको अभी नहीं देना है 25 का, मैं देखूंगा भी नहीं आपके, मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में जवाब। 25 से पहले जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, यदि किसी को कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज रिप्लाई, आप मुझे जवाब दें, रिप्लाई करें, कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछें, ठीक है। मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ क्लास में, मुझे नहीं पता आपको मजा आया नहीं आया, होप सो कि ये सारे के सारे जो MCQs मैंने कराए हैं आपको समझ में आए होंगे और आप 100% आपको इनका बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं। तो अगले हफ्ते फिर ठीक 12 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू गाइज, ठीक है। प्लीज इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। वेरी गुड सचिन शर्मा, गुड बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, वैकेंसी अभी कुछ नहीं कह सकते न्यूनतोष, हम ऐसा सवाल मत पूछो बच्चे। थैंक यू शैली।